राधे राधे एवरीवन, वेलकम इन चिल्ड्रंस क्लब। बच्चों आज हम लोग फ्रैक्शनल नंबर्स पढ़ेंगे। ये कैसे फ्रैक्शन नंबर कैसे बनते हैं ये हम आपको बताएंगे। फ्रैक्शनल मींस होता है टू पार्ट में डिवाइड करके होल को, किसी होल को, पूरे सामान को। लाइक आप चपाती लेते हो, आप केक लेते हो, या बिस्किट लेते हो, या स्क्वायर में कोई बिस्किट लेते हो, या वैसा रेक्टेंगल पे कोई चीज सामान लेते हो, और उसको पार्ट में, अ पार्ट ऑफ होल, पूरे को एक पार्ट, वो जो है वो फ्रैक्शन बन जाता, वो फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अभी हमने सपोज ये चपाती ली और चपाती का एक चपाती के दो टुकड़े किए, चपाती के दो टुकड़े किए, तो कैसे हुआ, एक चपाती के फ्रैक्शन कैसे बनेगा हमारा। एक चपाती के पहले हमने दो टुकड़े किए, टू इक्वल पार्ट किए, और उसमें से एक लिया, एक वन पार्ट लिया, तो ये वन अपॉन टू हो गया। वन अपॉन टू मीन्स हिंदी में होता है आधा, आधा पार्ट ये है, आधा पार्ट ये है। टू होल, टू हाफ पार्ट इज इक्वल टू होल, दो आधे भागों को मिला के हम एक पूरा सर्कल पा जाते हैं। ठीक है, तो आधा पार्ट हमारा वन अपॉन हाफ कहलाएगा, और आधा पार्ट हमारा वन अपॉन टू कहलाएगा। वन अपॉन टू। इसके बाद एक सर्कल मान लिया, मान लीजिए आपने ये दो टुकड़े तो कर लिए, दो के बाद उसके चार टुकड़े किए, उसी बिस्किट के दो पहले तोड़े, फिर दो में से फिर से, क्योंकि आप अगर आपके पास अधिक फ्रेंड हैं तो आप उसको फिर से तोड़ोगे ना, फिर से तोड़ोगे तो वो भी इक्वल पार्ट करोगे किसी केक के। तो जब हम किसी किसी होल के पीस, किसी पूरे सामान का फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर पार्ट में हमने डिवाइड किया, और कैसे हमने हाफ एक इसका ऐसे हाफ को हमने एक हाफ को पूरा किसी को दिया, मतलब उसके फोर पार्ट को, वन फोर्थ, केवल वन फोर्थ पार्ट को, ठीक है, ये एक बच्चे को दिया, अपने फ्रेंड को दिया, और ये दूसरा पार्ट किसी दूसरे बच्चे को दिया, या हमने केवल एक को दे दिया और बाकी सब अभी बचा लिया। ठीक है, तो जो होल किसी चीज के फोर पार्ट करने के बाद उसमें का एक पार्ट जो है वो वन अपॉन फोर कहलाता है, चौथाई हिंदी में बोलते हैं उसे, चौथाई कहलाता है। तो इस तरह ये हमारा चौथाई भाग है, ये वन अपॉन फोर पार्ट है हमारा। ठीक है, जब हमने दो टुकड़े किए थे तो उसे आधा कहा था, वन अपॉन टू कहा था, और जब हमने एक चीज के फोर डिवाइडेड पार्ट किए हैं तो उसमें से फोर में से एक पार्ट लिया जो कि हमारा वन अपॉन फोर कहलाया, हिंदी में से चौथाई कहते हैं। ऐसे ही हमने जब वन अपॉन फोर को ले लिया, वन अपॉन फोर ले लिया, लेकिन यहाँ पर भी हमारा पहले हमने फोर पार्ट किए हैं किसी चीज के, और उसमें से वन पार्ट ना लेकर के एक पार्ट और लिया। यहाँ तो हमने एक ही पार्ट लिया था, और यहाँ एक पार्ट पहले से दे दिया एक फ्रेंड को, और दूसरा फ्रेंड फिर से आ गया तो उसको हमने फिर से एक पार्ट और दे दिया, तो ये हमारा कितना बट गया, उसका हमारा केक कितना बट गया ये बताना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने फिर से किसी को दे दिया, एक तो पार्ट पहले ही दे चुके थे और दूसरा पार्ट फिर से किसी दूसरे फ्रेंड को दे दिया, तो ये हमारा कितना बट गया, वन टू, फोर में से फोर पार्ट किए थे, फोर में से वन टू पार्ट बट हमारे क्या हो गए, बट गए, है ना, किसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या दे दिया। ठीक है, तो इसको कहेंगे टू अपॉन फोर पार्ट जो है हमारे खर्च हो गए हैं, या अलग हो गए हैं, या किसी को दे दिए हैं, तो ये कितने पार्ट खर्च हुए, टू अपॉन फोर। अब टू अपॉन
भी दे देते हैं अगर किसी को। फिर एक और फ्रेंड मिल गया आपको, या तीसरे फ्रेंड को फिर आ गया, उसको भी किसी को देना पड़ा, तो ये वाला पार्ट भी हमने दे दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमने दे दिया अगर किसी को, तो फोर पहले से ये वाला पार्ट भी हमने किसी को दे दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कितने पार्ट आपके मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, कितने पार्ट आपके पास से खर्च हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, क्योंकि हमने कितने पहले पार्ट किए थे, फोर। एक चीज के फोर पार्ट, जितने पार्ट किए जाते हैं उतने उसको नीचे लिखते हैं, जितने हमारे पास से चले जाते हैं उसको उसको लिखते हैं। ये कितने पार्ट गए हमारे, थ्री, ये थ्री पार्ट हमारे चले गए, इसको बोलेंगे थ्री अपॉन फोर। ये हो गया हमारा थ्री अपॉन फोर, और बचा कितना हमारे पास, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर बचा। ठीक है, अब इसी तरह अगर किसी में एक सर्कल ऐसा भी, कोई भी सामान आपके पास है और फोर लोग ना होकर के केवल थ्री लोगों को बांटना है, तो आप थ्री इक्वल पार्ट करोगे, भाई दो दोस्त और हैं एक अपने लिए, तो आप थ्री पार्ट करोगे ना, तो थ्री पार्ट में से अगर किसी को दे देंगे, तो अगर हम एक किसी को दे देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट दे दिया। हाँ, और हमने एक किसी के पार्ट किसी को कितना किया था, एक होल का पहले कितना पार्ट किया था, थ्री, और दिया कितना है, वन, तो ये वन अपॉन थ्री कहलाएगा। पहले एक होल के एक पूरे सामान के तीन टुकड़े किए, थ्री पार्ट डिवाइड किए, फिर उसमें से वन जो है हमने किसी को दिया, या तो अपने लिए रख, अपने लिए हमारे पास टू अपॉन थ्री बचा, कितना बचा, टू अपॉन थ्री। अब चूंकि ये वाला पार्ट तो हम दे चुके हैं, अगले पे पहुंचते हैं, ये वाला पार्ट हमने दे ही दिया, लेकिन फिर से एक और फ्रेंड आया, या आपने अपने ब्रदर को ही दिया, तो पहले तो एक चीज के तीन टुकड़े किए, तो हमने पहले थ्री लिख दिया, अब उसमें से कितने दे दिए हैं ये हमको देखना है। इसमें से वन पार्ट दे चुके, और सेकंड पार्ट एक और हमें देना है किसी को, तो ये हमारा कहलाएगा, कितना कहलाएगा, टू अपॉन थ्री। ये सेकंड पार्ट भी हमने किसी को दे दिया, या बांट दिया भाई बहन किसी को या फ्रेंड को, तो ये हमारा कितने पार्ट खत्म हो गए, कितने पार्ट हमारे पास से खर्च हो गए, ये कहलाता है टू अपॉन थ्री। थ्री पार्ट हमने किए थे, और उसमें से टू पार्ट, कितने पार्ट, टू पार्ट हमारे, टू पार्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, खर्च हो गए, है ना। ठीक है, तो इस तरह ये फ्रैक्शन हमारे बन गए। इस फ्रैक्शन में नीचे वाले फ्रैक्शन को कहे, नीचे वाले नंबर को बोलेंगे डिनोमिनेटर, और ऊपर वाले नंबर को बोलेंगे न्यूमरेटर। ठीक है, ये कैसे बना, वन अपॉन टू कैसे बना, होल था, होल के हमने दो पीस, टू पीस किए, दो टुकड़े करे, तो एक हाफ जो है वो दूसरा एक हाफ इधर हो गया, एक हाफ ये हो गया, तो जो एक टुकड़ा है वो हमारा आधा कहलाएगा, या वन अपॉन टू कहलाएगा। ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसमें हमने फोर इक्वल पार्ट किए हैं, और फोर इक्वल पार्ट कर जितने पार्ट किए उसको नीचे लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है कहलाता है, और उसमें से कितना हमने खर्च किया है, वन, फोर में से ओनली वन, जितने खर्च होते हैं वो ऊपर लिखते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। इसमें न्यूमरेटर क्या है, टू अपॉन टू, और डिनोमिनेटर हुआ फोर, क्योंकि फोर इक्वल पार्ट थे और टू हमारे बट गए, दे दिए किसी को। ऐसे ही इसमें कितना हो रहा है, इस सर्कल में फोर पार्ट तो हमने इक्वल किए थे, लेकिन एक पहले खर्च हो चुका था, उसके बाद एक और खर्च हो गया, उसके बाद एक और थ्री पार्ट हमारे उसमें से खर्च हो गए हैं, या किसी को दे दिए हैं, या अलग कर दिए गए हैं। ठीक है, और आपके पास बचा क्या, वन अपॉन
फोर, वन अपॉन फोर बचा है और आपने थ्री अपॉन फोर खर्च कर दिया या अलग कर दिया या उसमें से कम हो गया, थ्री अपॉन फोर कम हो गया केक में से, ठीक है। तो ऊपर वाले को हमने अभी बताया न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। कहना सीख लीजिए ये फ्रैक्शन कहलाता है, इस तरह से लिखना फ्रैक्शन कहलाता है। इसमें से हमने क्या किया था, पहले किसी एक चीज के थ्री पार्ट किए थे, थ्री इक्वल पार्ट करके और ऊपर उसमें से केवल वन पार्ट किसी को दिया, थ्री लोग थे उनमें से सबको बांटना था तो उसमें से केवल अभी एक फ्रेंड को दिया है तो हमने कितना खर्च किया, वन अपॉन थ्री, थ्री में से वन जो है दे दिया, थ्री में से वन यानी थ्री डिनोमिनेटर है, वन हमारा न्यूमरेटर है। ऐसे ही हमने फिर सेकेंड वाले फ्रेंड को भी कुछ दिया और उसमें से क्या करें होल पूरे थ्री पार्ट में से हमने सेकेंड वाले फ्रेंड को भी कुछ दे दिया तो ये हमारा क्या बनता है टू अपॉन थ्री, थ्री में से टू जो हमारे खर्च हो गए और अब हमारे पास वही वन अपॉन थ्री बच गया। इसी तरह का वन अपॉन थ्री हमारे पास बचा और टू अपॉन थ्री हमारा बट गया है या अलग हो गया है, उसमें से कम हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शन बना टू अपॉन थ्री, ठीक है बच्चों। अगर इस तरह के से हमारा मेथड आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और सीखिए भी है? और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।